सब्सक्राइब कीजिए अकेडमी लाइव एसएससी एग्जामिनेशन चैनल को, जहां पर मुखर्जी नगर के टॉप टीचर्स जैसे अभिनय शर्मा सर और अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे पवन राव सर, अमन श्रीवास्तव सर, रानी मेमर, बरखा अग्रवाल के जो टॉप वीडियोस हैं, जो पेड वीडियोस हैं, वो आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइव पढ़ाया जाएगा। अन अकेडमी की इस नई पहल का फायदा उठाकर अपने स्किल्स को इनहेंस कीजिए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। वेलकम टू एसएससी मेडिज। एसएससी सीजीएल 2018 मेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एक हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी एसएससी सीजीएल 2018 मेंस के मैथ्स के पेपर की री एग्जामिनेशन से रिलेटेड, और हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है एसएससी सीजीएल 2018 मेंस के मैथ्स की एक री एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। एक्चुअली ये पूरा मैटर ऐसा है जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ और ये जो स्टोरी है आप सभी के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको ये जानने को मिलेगा क्यों किस तरह से छोटी सी अवेयरनेस, छोटी सी जानकारी आपके सालों का जो करियर है, आपके सालों की जो मेहनत है, उसको बर्बाद करने से बचा सकती है और आप जितने भी दूसरे कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एसएससी की हार हुई एक छोटी सी जानकारी के कारण, एक छोटी सी अवेयरनेस के कारण कैंडिडेट की। तो इसी तरह से अगर आपके साथ भी कभी कुछ गलत होता है एग्जामिनेशन सेंटर में या कहीं भी, तो उसके लिए आवाज़ उठाइए। और छोटी छोटी जानकारियाँ आपको होनी चाहिए आज के टाइम पर क्या क्या नियम बदले जा रहे हैं। एक्चुअली पूरा मैटर यह है कि मिस्टर एक्स, यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन छुपाई गई है, मिस्टर एक्स अ सीजीएल 2018 कैंडिडेट वाज नॉट अलाउड टू इंटर द एग्जाम हॉल ऑफ एसएससी सीजीएल 2018 टायर 2 पेपर 1 एज ही हैड चीपलेस डीएल अलोंग विथ डिजिटल डिजी लॉकर आधार कार्ड। ही वॉज टोल्ड टू ब्रिंग हार्ड कॉपी ऑफ आधार कार्ड एंड इन दिस प्रोसेस ही रिटर्न विथ आधार कार्ड पास 9:30 missed by 2 minutes. He was denied to enter and appear for tier 2 paper 1 of the exam. यहाँ पर कोई मिस्टर एक्स है जो एसएससी सीजीएल 2018 की जो टायर जो 18 एग्जामिनेशन में अपीयर होने गया, लेकिन जो पेपर 1 था, जो मैथ्स का पेपर था, उस समय जो डॉक्यूमेंट वेरी जो हमारा आइडेंटिफिकेशन कार्ड चेक किया जाता है, तो उसने डिजी लॉकर का वो दिखाया था आधार कार्ड। डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक जो एक एप्लीकेशन है एंड्रॉयड डिवाइस में, और वहाँ पर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर वो आपको आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और कहीं भी आप रेलवे में यात्रा कर रहे हो या किसी भी जगह, आप उस डॉक्यूमेंट को डिजी लॉकर के थ्रू दिखा सकते हैं अथॉरिटी को। ये पूरा का पूरा वैलिड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मुहिम इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि जो पेपर वाला वर्क है उसको दूर किया जा सके और याद लोगों की सुविधा के लिए शुरू किया था। लेकिन हर एक प्राइवेट सेक्टर में या खास करके गवर्नमेंट सेक्टर में जो पुराने ख्यालात के लोग हैं, जिन लोगों को आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है, जो लोग डे टू डे चीज़ों से अवेयर नहीं है, उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में बैठा दिया गया है और वो ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें हमेशा करते रहते हैं कि जो डिजी लॉकर का जो आधार कार्ड था उसको वैलिड नहीं ठहराया गया और उसको कहा गया कि आप जो है आधार कार्ड की हार्ड कॉपी लेकर आइए, तभी आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठने दिया जाएगा। तो वो मिस्टर एक्स आधार कार्ड लेने गया हार्ड कॉपी की और वो 2 मिनट लेट हो गया। 2 मिनट लेट हो जाने के कारण उसको एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया गया। अब उसने क्या किया? उसने बहुत अच्छा कदम उठाया। ही फाइल्ड रिट पिटीशन इन हाई कोर्ट फॉर अ चांस टू अपीयर फॉर पेपर 1 मैथ्स ऑफ टायर 2। द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड इन हिज फेवर। एसएससी हैज़ बीन ऑर्डर टू लुक इन टू हिज ग्रीवियंस इन अकॉर्डेंस विथ लॉ विद इन 1 week ऑफ पासिंग दिस ऑर्डर। द लर्न काउंसिल ऑफ एसएससी हैज़ नो ऑब्जेक्शन फॉर द सेड रिलीफ्स। फिर उसने क्या किया, हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल कर दी कि जो टायर 2 के मैथ्स 1 में पेपर उसको जिन कारणों से बैठने नहीं दिया गया। हाई कोर्ट के जजेस ने पूरा सब कुछ सुना और उस मिस्टर एक्स के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि एसएससी ने जो ये गलती की है इसकी पूरी जांच करे और 1 week के अंदर उनको, मतलब ये जो 1 week के अंदर फैसला ले और एसएससी को री एग्जामिनेशन उस स्पेसिफिक बंदे के लिए मैथ्स की अलग से री एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। और एसएससी ने अपना जवाब दे दिया है कि एसएससी को इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एसएससी की हार हुई है और एक छोटी सी अवेयरनेस के कारण इस बंदे ने रिट पिटीशन फाइल की और इसका जो सालों की मेहनत है उसको बर्बाद होने से बच गई। और ऐसे न जाने कितने कैंडिडेट्स हैं जो हर साल किसी ना किसी कारण से छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से
वो अथॉरिटीज़ की मिस्टेक्स की वजह से, एसएससी की मिस्टेक की वजह से उनको एग्जामिनेशन हॉल में बैठने नहीं दिया जाता है टायर टू में, इवन टायर थ्री में। तो वो प्रॉब्लम यहाँ क्या है, कुछ कैंडिडेट कभी एक्शन नहीं लेते हैं, उनको अवेयरनेस नहीं होती चीज़ों के बारे में, उनको कानून से डर लगता है। और यहाँ पर इस बंदे ने एक्शन लिया और इसको इंसाफ मिला, तो ये चीज़ हम सभी को सीखने जैसी है कि हमेशा अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा हो तो उसके खिलाफ़ हमेशा एक्शन ले। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।